जो इधर मजरा उजरा कर रखते हैं, बकरी वकरी पालते हैं, तो वो कुत्ता पालते हैं क्योंकि यहाँ के कुत्ते भी बकरी चराते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस हम लोग एरिया में आए हैं, ये देखिए इसका एंट्री है। प्लीज सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो वायरल नहीं होता है फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आप लोग का। फ्रेंड्स, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, तो आज का ड्यूटी है, एक देखते हैं गांव है कैसा गांव है। फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं आज का गाँव कैसा है फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिस हम लोग एरिया में आए हैं, ये देखिए इसका एंट्री है, और ये सब अभी नया घर बन रहा है। इधर सब नया बस्ती मतलब बस रहा है, कुछ इसमें पुराना भी घर है और ज़्यादातर नया ही बस रहा है, घर बन रहा है। वो देखिए उधर जो बिल्डिंग है, वो बीच में वो पुराना बिल्डिंग, और ये सब नया बिल्डिंग बन रहा है। और इसका एंट्री देखिए हाईवे से पास में है फ्रेंड्स। और इसी तरह ये गाँव नया सब बन रहा है, जो इस गाँव का नाम है वो बगल में उधर मोहल्ला है। और ये जो नया बस्ती बन रहा है, ये जदीद मोहल्ला के नाम से बन रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाते हैं ना आप लोग को, और कितना घर इसमें है, अभी सब नया नया घर बन रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग इधर से चल रहे हैं, और सामने दिखाते हुए देखिए सब नया नया घर बना है इधर फ्रेंड्स। और ये एक डॉग रोड पर खड़ा है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर डॉग बहुत खतरनाक होते हैं, जो इधर मजरा उजरा कर रखते हैं, बकरी वकरी पालते हैं, तो वो कुत्ता पालते हैं क्योंकि यहाँ के कुत्ते भी बकरी चराते हैं। एक भी बंदे को बकरी को छूने नहीं देगा आदमी। ये देखिए सब इधर नया नया बस्ती बन रहा है, ये सब अभी नया, कुछ बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं, कुछ बिल्डिंगें अभी बन रही है फ्रेंड। और ये जो है हाईवे से जस्ट बगल में ही है, और डबल रोड भी है इधर। देखिए ये सब पहले, आज से 3 साल पहले पूरा खाली प्लॉट था, एक भी घर नहीं था इधर फ्रेंड्स। और इधर सबसे ज़्यादा पेड़ था बबूल का पेड़, जो बहुत इधर बबूल का पेड़ सऊदी अरबिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए सब नया नया, ये देखिए ये भी सब नया घर बना है। और ये गोलद्वार है रन अबाउट अंदर में, जो हाईवे से है फ्रेंड्स। देखिए इधर भी सामने देखिए घर कैसा बना है। और ये सब इधर घर बन रहा है, अभी नया बस्ती बन रहा है, ये जदीद मोहल्ला के नाम से। जैसे ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा, ये देखिए सामने कितना खूबसूरत घर है फ्रेंड। ये जैसे बन के रेडी हो जाएगा तो इसका कुछ नाम डाला जाएगा, जैसे मोहल्ला जदीद नहीं, इसका कुछ और नाम डाला जाएगा, जैसे कुछ भी डाला जाए अलग सा नाम, क्योंकि रजिस्टर होता है ना, तो रजिस्टर एक गांव का नाम हो जाता है, ये गांव का नाम है। गांव का नाम होगा कुछ, पर इतना मेरे को पता नहीं है क्या नाम है। ये देखो सब इधर नया नया घर बना है, और आप इधर भी देख सकते हैं सब नया नया घर है, ज़्यादातर नया ही घर है। और ये चारों तरफ से अब बहुत दूर तक ले ये नया बस्ती बस रहा है, बहुत दूर तक, ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर के अंदर में है, नहीं, बहुत दूर तक नया बस्ती बस रहा है फ्रेंड्स। कम से कम कुछ नहीं तो ये 8-9 किलोमीटर के लंबा रास्ता में है, बहुत दूर तक है। इधर ड्यूटी था हम लोग का आज, ये देखिए इसमें ये पुरानी बिल्डिंग है, दो उतना पुरानी बिल्डिंग नहीं है, पर है पुरानी, थोड़ा पहले का बना हुआ है। और ये देखिए अभी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है इसका, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है फ्रेंड्स। देखिए सब बन के एकदम धीरे धीरे अंदर बाहर सब फिनिशिंग का काम बाकी है बहुत सा फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे ये सब एरिया है फ्रेंड्स, और बहुत खूबसूरत एरिया है। जब नई नई बस्ती बनता है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से नया नया गांव जब बनता है ना, तो उसका अलग ही रौनक रहता है एरिया में फ्रेंड्स, और बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स ये एरिया।
क्योंकि नया नया बस्ती रहता है, इसके वजह से बहुत खूबसूरत रहता है फ्रेंड्स। तो हम लोग लमसम यहाँ से ड्यूटी लमसम पूरा ख़त्म कर लिया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम लोग वापसी करेंगे। देखिए सब अभी नया घर बनाया, और वो जो सामने उधर सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, वो सामने वो भी सब नई बस्ती है। ये सामने ये भी सब नया है, और अभी हम लोग ये रना बाउट है, जो ये गोलद्वार, इसको गोलद्वार बोलते हैं, ये गोलद्वार से हम लोग लेंगे साइड में। ये फ्रेंड्स सामने जो प्लॉट दिख रहा है खाली, ऐसे ही पहले था, इधर सब प्लॉट खाली खाली, अभी सब धीरे धीरे बन रहा है, तो इसके वजह से बस्ती हो रहा है फ्रेंड्स। इधर ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी सब नया बस्ती बन रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत लंबा दायरा में बन रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो पूरा, जब ये बस्ती तैयार होगा ना तो बहुत बड़ी बस्ती सिटी हो जाएगा, एक सिटी खूब अच्छा खासा सिटी हो जाएगा फ्रेंड्स। पहले के मुकाबले में आज से 7 साल पहले जो इधर बहुत कम घर था, अभी फिलहाल 7 साल बाद बहुत ज़्यादा, 3 गुना 4 गुना सब बिल्डिंगें, नई नई घर बस्ती बन गई हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग इधर से निकल चुके हैं और ड्यूटी भी कर लिया गया है। ओ फ्रेंड्स, तो चलिए रोम का जर्नी वापसी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग से मिलते हैं रोम पे फ्रेंड्स, क्योंकि इधर का ड्यूटी यही था। इधर सब देखें, सब ऐसे ही से, ज़्यादातर ऐसे ही सब पेड़ पालो है फ्रेंड्स। इधर पहले ऐसे ही झाड़ था, इधर देखिए पूरा प्लॉट खाली खाली था, अभी फिलहाल सब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है फ्रेंड्स। इधर अच्छा खासा रोड भी है, डबल रोड इधर भी है फ्रेंड्स, और सब बहुत खूबसूरत गांव सा बन रहा है, एक नया सा बस्ती फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लगता है इधर आने में। और जैसे एक मौसम नहीं होता, जैसे ये कोई कोई नई बस्ती में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं ना अरे यार इधर तो बहुत शोर शराबा है, चुहलगुल है, शांति है, चुहलगुल जैसे अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसके वजह से ये बहुत खूबसूरत गांव बन रहा है फ्रेंड्स, न्यू विलेजेस बन रहा है फ्रेंड्स। हम लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो वायरल नहीं होता है फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। लाइक प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं रूम पे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो आप लोग कहेंगे कि इतना लंबी लंबी कौन वीडियो देखता है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो मिलते हैं रूम पे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी अभी रूम पे आ गया, ड्यूटी कर लिया गया ख़त्म फ्रेंड्स। तो अभी अभी पहुंचा गया, तो एक नया गांव में, एक नया बस्ती में ड्यूटी था फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो बाय गाइस।